जय हिंद। चलिए हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में ब्रेन के बारे में, उसका क्या नाम है और उसका क्या काम है। यह वीडियो देखने के बाद वैसे ही याद हो जाएगा जैसे कि आपका नाम याद है। चलिए हम लोग जानेंगे ब्रेन, आज हम लोग ब्रेन के बारे में जानेंगे। ब्रेन ब्रेन जो होता है मस्तिष्क। ब्रेन को मेनली तीन पार्टों में बांटा गया है। एक होता है फोर ब्रेन, लिख देते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, हो गया। चलिए सीधा यहाँ पे लिख देते हैं फोर ब्रेन और यहाँ पे लिखते हैं मिड ब्रेन, मिड और यहाँ पे लिखते हैं हिंड। चलिए आप लोग समझ जाइएगा ब्रेन के बारे में, इतना यहाँ आप अपना ब्रेन लगा लीजिएगा, हम इरेज कर देते हैं। समझ गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ब्रेन के चलिए फिर से, ब्रेन के हिंद क्या होता है? तो ब्रेन के हिंद मस्तिष्क होता है। ब्रेन को तीन पार्टों में बांटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है? तो फोर ब्रेन जो आगे के फ्रंटियर पार्ट होता है उसे फोर ब्रेन कहते हैं। और मिड ब्रेन क्या होता है? जो यहाँ पे कान के समय कान के पास होता है यहाँ पे, इसे मिड ब्रेन कहते हैं, जो यहाँ पे रहता है यहाँ के करीब। और हिंड ब्रेन किसे कहते हैं? जो हिंड ब्रेन को हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे रहता है उसे हिंड ब्रेन कहते हैं। समझ गए, तो इसका नाम क्या है? हिंदी में भी लिख देते हैं यहाँ पे अग्र होता है, अग्र पश सॉरी मध्य होता है पश। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब अग्र फोर ब्रेन में आते हैं, तो फोर ब्रेन को भी कितने पार्टों में बांटा गया है? तो फोर ब्रेन को भी तीन पार्टों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम चलिए सेरिब्रम एक एक पॉइंट जानते हैं और उसको कंप्लीट करते चलते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम को क्या कहते हैं? सेरिब्रम होता है ना, वो टू थर्ड माना जाता है, यानी 66% लगभग 66% ब्रेन ऑक्यूपाइज कर रहे होता है। सबसे बड़ा ब्रेन सेरिब्रम को ही बोला जाता है, सबसे मतलब मस्तिष्क का सबसे बड़ा ब्रेन सेरिब्रम को ही बोला जाता है। जैसे मेरा सेरिब्रम एक्टिव है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव है, आपको इंटरेस्ट लग रहा है, आप चलिए इसी वीडियो में जानेंगे टोटल हाइपोथैलेमस भी क्या काम है उसका, जानते हैं। आपका हाइपोथैलेमस सेरिब्रम तो 66% ब्रेन ऑक्यूपाइज कर रहा था सेरिब्रम। चलिए आप समय जान गए, ब्रेन ब्रेन 66% बिगेस्ट बिगेस्ट पार्ट द बिगेस्ट भी लिख सकते हैं, यानी सेरिब्रम सबसे बड़ा भी होता है और 66% स्ट्रॉन्ग, मतलब सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। अब आते हैं थैलेमस, अब आता है थैलेमस, तो थैलेमस लिखते हैं। थैलेमस तो थैलेमस का क्या काम होता है? तो थैलेमस का काम होता है आउटर इन्फॉर्मेशन देना, जैसे कि थैलेमस का काम होता है आउटर इन्फॉर्मेशन देना, जैसे कि वातावरण गर्म है, मान लीजिए गर्मी के दिन है तो वातावरण गर्म रहता है, तो इसका इन्फॉर्मेशन कौन दिया? तो थैलेमस देता है। जैसे कि कोई पिंच चुहाया, इसका इन्फॉर्मेशन कौन देता है? तो थैलेमस ही देता है। मान लीजिए कोनो पीठ दिया तो चोट लगा स्क्रीन पे, तो कौन देता है इसका इन्फॉर्मेशन? तो थैलेमस ही देता है। जैसे कि बोल सकते हैं एकदम से आउटर इन्फॉर्मेशन जितना भी देता है आउटर इन्फॉर्मेशन वो थैलेमस देता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर जैसे कि वार कोल्ड हॉट, लिख देते हैं कोल्ड हॉट, यानी गर्मी गर्म इन्फॉर्मेशन गर्म जो वातावरण रहता है तो इन्फॉर्मेशन देता है। और जैसे कि गर्म वातावरण रहा तो ये तो इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन देखते हैं गर्मी में ही पसीना ज़्यादा निकलता है, क्योंकि जब गर्मी में पसीना ज़्यादा निकलता है तो वातावरण जब गर्मी ज़्यादा रहता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हाइपोथैलेमस बॉडी को पसीना के रास्ते निकाल देता है, और पसीना के रास्ते टेम्परेचर को बाहर निकाल देता है और उसको बॉडी को मेंटेन कर देता है। चलिए जानते हैं इसमें लिख देता हॉट। अच्छा आप सबको मालूम होगा जैसे कि कोई भी आजकल ऐसी होता है ऑपरेशन ऑपरेशन होता है तो उसमें एक बेहोश करके देते हैं, तो बेहोश एक इंजेक्शन देते हैं,
इंजेक्शन। वो इंजेक्शन दे देते, इंजेक्शन देने के बाद क्या होता है ना, वो इंजेक्शन किसका रहता है, तो वो इंजेक्शन एनेस्थेसिया का रहता है। सॉरी एस यहाँ पर छूट गया, चलिए अब एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। ऐसे उसका एथी जो थ्रेमस होता है ना, जैसे यहाँ पर स्किन को ऐसे देखेगा तो बहुत दर्द होगा, कोई स्किन पर काट रहा है तो बहुत दर्द होगा, लेकिन एनेस्थेसिया के इंजेक्शन देने के बाद मेरा हाइपोथैलेमस कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है। उसके बाद आराम से यहाँ पे काट दीजिएगा, आपको कोई दर्द दर्द नहीं होगा। तो ये किसका इंजेक्शन देते हैं, तो एनेस्थेसिया के इंजेक्शन देते हैं। अब आता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के काम क्या है, जस्ट इसके उल्टा। थैलेमस के काम रहता है आउटर इन्फॉर्मेशन देना, और हाइपोथैलेमस के काम होता है इंटरनल इन्फॉर्मेशन देना, जैसे कि पेन। पेन हो गया, जैसे पेट दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, जितने भी पेन होता है ना, वो हमारे कौन इन्फॉर्मेशन देता है, हाइपोथैलेमस देता है। जैसे कि हंग्री, भूख, प्यास, लिख देते हैं यहाँ पे लव, दर्द, भूख, प्यास, जैसे कि भूख, दर्द, प्यार, प्यास, ये सब होता है ना, इंटरनल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि अभी बताया ना, और मैं जब हाइपोथैलेमस आउटर इन्फॉर्मेशन देता है, जब गर्मी के दिन में ही पसीना निकलता है ज़्यादातर, क्योंकि जो मेरा बॉडी की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना गर्मी के दिन में, तो हाइपोथैलेमस ही निकाल देता है। हाइपोथैलेमस पसीना के रास्ते निकाल देता है बॉडी के टेम्परेचर को, उसे जब पसीना निकल जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। वही हाइपोथैलेमस के काम होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। तो चलिए जानेंगे, सेरिब्रम जाकर 66% सबसे बड़ा भाग होता है। मेरा सेरिब्रम एक्टिव है, मैं आपको पढ़ा था, आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव है, आप इंटरेस्ट है तो आप जब जाए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में और चीज़ आता है, थैलेमस अभी जाए थैलेमस को कोल्ड वार्प्स इंजेक्शन, इनेस्थेसिया का इंजेक्शन देते हैं। हाइपोथैलेमस पेन, दर्द, भूख, प्यास, प्यार, गिरना, ये सब जितने भी होता है हाइपोथैलेमस का काम होता है। हाइपोथैलेमस और होता है मेल में जल्दी एक्टिव हो जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मेल में जल्दी एक्टिव हो जाता है और फीमेल में थोड़ा लेट से एक्टिव हो जाता है। इसीलिए कभी भी देखते हैं कोई स्त्री जाती है ना, तब पुरुष उस पर देखते ही इस तरह बाल उल झाड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस जल्दी एक्टिव हो जाता है। लेकिन वही कितना भी लड़का बैठा हो, लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो स्त्री जाती है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना जाते जो काम करना है वो मतलब आराम से सीधे करे। तो इसीलिए मेल फीमेल में हाइपोथैलेमस थोड़ा लेट से एक्टिव होता है और मेल में हाइपोथैलेमस जल्दी एक्टिव होता है। हाइपोथैलेमस एक्टिव होने का कारण है कि गर्म खाना खाने से हाइपोथैलेमस जल्दी एक्टिव हो जाता है। इसीलिए साधु संत लोग गर्म खाना लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाएगा तो मुंह, जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो समझिए हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं कराना चाहते, इसीलिए साधु संत लोग लहसुन प्याज नहीं, क्योंकि लहसुन प्याज गर्म होता है, समझ गए हाइपोथैलेमस। अब आते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन को हिंदी में हम लोग कहते हैं मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन में भी आते हैं, तो इसका में आता है सेरिब्रल। चलिए इसमें आता है सेरिब्रल, तो सेरिब्रल सेरिफ चलिए है सेरिब्रल। सेरिब्रल का काम क्या होता है, सेरिब्रल हम लोग होता है ना स्पाइनल को, जैसे ब्रेन हमारे 90% ब्रेन मतलब वर्क करता है, 10% स्पाइनल कोड। जैसे स्पाइनल कोड को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ब्रेन बोलते हैं स्पाइनल कोड, क्योंकि जो सेकेंड ब्रेन जो आप लोग रीढ़ की हड्डी देखते हैं ना, वो स्पाइनल कोड नहीं रहता है, वो भगवान जी ने बहुत सोच समझ कर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रीढ़ की हड्डी बताया, रीढ़ की हड्डी हो जाती है। जैसे मान लीजिए रीढ़ की हड्डी है,
शरीर के अंदर एक इस तरह की नसें निकली रहती है, उसी को हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं, समझ गए? इसे स्पाइनल कोड कहते हैं, उसी को हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं। चलिए अब आते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम हम लोग बोलते हैं सेकेंड ब्रेन, स्पाइनल कोड कितना है? 10% वर्क करता है स्पाइनल कोड। सेकेंड ब्रेन हम लोग स्पाइनल कोड के ही बोलते हैं, जो सेरिब्रम के में आता है। अब आता है और आता है, इसका नाम है कार्पोरा। कार्पोरा पेंडिकल है, कार्पोरा लिखते हैं पेंडिकल, जैसे कार्पोरा पेंडिकल, उसका कार्पोरा पेंडिकल का क्या काम होता है? कार्पोरा पेंडिकल का काम होता है देखना और सुनना। कार्पोरा पेंडिकल का काम होता है देखना और सुनना। जैसे कि देखते हैं कोई बूढ़े लोग में, जैसे वृद्ध अवस्था में जो हो गए, जैसे बाबा वाल पे देखना, आँख से बहुत ये नॉर्मल चली गई, सबके पास हो जाता है जो वृद्ध अवस्था में रहते हैं, उनका आँख से कम दिखाई देना और कान से कम सुनना, ये किस पर? तो कार्पोरा के कारण होता है, उनका कार्पोरा खराब हो जाता है, जिससे सुनाई कम देता है और दिखाई भी कम देता है। ये इसका काम होता है, कार्पोरा के काम होता है। चलिए इतना भी जानकर, मिड ब्रेन में क्या होता है? सेरिब्रम होता है। सेकेंड स्पाइनल कोड हम लोग सेकेंड ब्रेन स्पाइनल कोड को बोलते हैं, बोल असिस्टेंस बोल सकते हैं। कार्पोरा देखना और सुनने के काम करता है, ये अगर खराब हो जाता है तो वृद्ध अवस्था में यह मेनली हो जाता है सभी को। अब आते हैं हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन को हम लोग बोलते हैं। चलिए आप लोग तब तक इसे नोट करिए, आप लोग तब तक नोट करिए, तब तक हट जाते हैं ताकि अच्छा से दिखे, नोट करिए तब तक। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उतार लेते हैं, उतार लिए होंगे। अब आता है हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन में क्या होता है? तो हिंड ब्रेन में तीन होता है, एक होता है सेरिबेलम, ये हो गया सेरिब्रम, ये हो गया सेरिब्रल, ये हो गया सेरिबेलम। अच्छा सेरिबेलम का क्या काम होता है? सेरिबेलम का काम होता है, जैसे कि इसे बोलते हैं ना छोटा मस्तिष्क बोलते हैं, सेरिबेलम को हम लोग छोटा मस्तिष्क बोलते हैं, यानी छोटा दिमाग। यहाँ पे छोटा दिमाग पाया, यहाँ पे मारने से कोई कस के यहाँ पे मार देता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन कम रहता है, यहाँ पे कोई कस के मार देता है ना तो देखते हैं झंझना आ जाता है, माथा सर झंझना आ जाता है, इसीलिए इस पर कोई बोलता है नहीं पीटने के लिए, क्योंकि इसे छोटा दिमाग कहा जाता है। और आता है सेरिबेलम का क्या काम होता है? जैसे देखते हैं सेरिबेलम का काम होता है बैलेंसिंग करना, बैलेंस करें। देखते हैं कभी बच्चे लोग, जो छोटा बच्चा रहता है उसका सेरिब्रम एक्टिव नहीं रहता है, और सेरिब्रम एक्टिव नहीं रहता है छोटा बच्चा, तो चलता है तो थरथरा के चलता है, इधर उधर यहाँ दिन धरेगा यहाँ दिन धरेगा, और कभी गिर जाता है, क्योंकि उसको पैर रखने के, क्यों? उसका सेरिब्रम एक्टिव नहीं होता है। सेरिब्रम किस पर डिपेंड करता है? तो सेरिब्रम प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग एकदम प्रैक्टिस हो गया है, जैसे कहीं भी होता बैलेंस बना कर रख देता है, बैलेंस बना, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस हो गया है। सेरिब्रम डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर ही, केवल डिपेंड करता है। जैसे कि जो अल्कोहल को नशा करते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में नशा करते हैं, या कोई भी चीज़ का नशा हो, मतलब अल्कोहल का नशा, तो उसका सेरिब्रम नष्ट हो जाता है कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नष्ट होगा तो ऊपर ही चली जाएंगे, कुछ देर के लिए नष्ट हो जाता है, चौपट हो जाता है, इसीलिए कुछ पीटिएगा ना तो उसे पता ही नहीं लगेगा। से जो देखते हैं जो पियकर वकर होता है ना, जो अल्कोहल ले लेता है, उसके बाद देखेगा ना तो उसको खाली ये चीज नहीं हो पाएगा, इधर उधर डेंग रखेगा और इसको बैलेंस नहीं बना पाता है, क्योंकि उसका सेरिब्रम ही, मतलब सेरिब्रम ही, सॉरी सेरिब्रम ही चौपट कर देता है कुछ देर के लिए, उसे पीटी होती है कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा। चलिए ये होता है। देख कभी सर्कस वर्कस में, और देखे और एग्जांपल चाहिए तो देख, कभी सर्कस वर्कस में देखे बच्चा सब जो रस्सियों पर चल जाता है, क्यों? उसका सेरिब्रम एक्टिव, सेरिबेलम सॉरी सेरिबेलम, तो सेरिबेलम उस पर उस सब प्रैक्टिस कर ले रहता है। हम लोग चल सकते हैं नहीं, क्योंकि हम लोग का उस पर चलने के लिए प्रैक्टिस नहीं हुआ, सेरिब्रम उस पर एक्टिव, उस पर प्रैक्टिस नहीं होता, तो इससे क्या समझ में आता है? सेरिबेलम किस पर डिपेंड करता है? तो सेरिबेलम प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पर बैलेंस लिख दिया है, सीधा आप लोग समझ जाइएगा। अच्छा अब आते हैं पॉन्स, बैलेंस बनाना, सही लिख देते हैं, सेरिबेलम बैलेंस बनाने का काम होता है, समझ गए? अब आता है पॉन्स,
पोन्स पोन्स का क्या काम रहता है, पोन्स का मेनली बॉल। क्या काम आता है? मैसेंजर के काम करता है, मैसेज पहुंचाता है। पोन्स मिली बॉडी से ब्रेन तक मैसेज, मैसेंजर के काम करता है, वो मैसेज पहुंचाता है। अब आता है एगो मोडुला अम्बेलर, मोडुला अवेलंगटा दोस्तों, मोडुला अवेलंगटा भी लिख दे। चलिए आप लोग नहीं लिखेगा, हम भी लिख देते, हम ही लिख देते हैं। मोडुला मोडुला अवेलंगटा, स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो भी सकता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा मोडुला अवेलंगटा। यहाँ पे शायद एक ही टी होता है, एक ही टी होता है, मोडुला अवेलंगटा। चलिए होता मोडुला अवेलंगटा का क्या काम होता है, मोडुला अवेलंगटा का दो होता है, मान लीजिए इसमें भी होता है तो एक ही, लेकिन एक में होता है एसेंशियल, मतलब बहुत ही जरूरी, उसको वह करना है तो है, बहुत जरूरी है, वरना नहीं तो चले जाएंगे ऊपर, चले जाएंगे यार, बहुत तबीयत खराब हो सकती है, तो ऊपर जाने की संभावना बन सकता है। और एक होता है नोट एसेंशियल, मतलब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, हुआ तो ठीक है, वोमिटिंग, वोमिटिंग, वोमिटिंग हुआ तो ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है। देख लीजिए वोमिटिंग का स्पेलिंग। अच्छा और होता है आई ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग आई, ब्लिंकिंग आई का क्या काम होता है, ब्लिंकिंग लिखा गया, ब्लिंक किंग होता है, यहाँ पर क्या डाल दीजिएगा, ब्लिंक किंग होता है, ब्लिंकिंग होता है, ब्लिंकिंग आई यानी आँख फड़फड़ाना, ये आँख फड़फड़ाया तो भी ठीक है, नहीं फड़फड़ाया तो भी ठीक है। देखते हिचकी, हिचकी कभी कल आता है, ये सब चीज़ मुझे अवेलन रहता है। हिचकी क्यों होता है, जैसे कि देखते कभी खाना खाने, इसलिए आदमी बोला जाता है खाने खाने के समय बात उत नहीं करने के लिए, क्योंकि खाना खाते हैं तो आपका वो जैसे ब्रेन इंफॉर्मेशन दिया, मतलब से फूल फूल पाई वाला यदि ओपन हुआ, तो फूल में बात करते हैं तो बात कर रहा है तो पता ही नहीं लगता है, तो एयर वाला भी ओपन कर देता है, जब फूल एयर वाला भी चले जाता है तो हिचकी आ जाता है, वो रिवर्स करता है तो हिचकी आता है। उसको रोकने के लिए क्या रहता है, एक दरवाजा टाइप के बोलते हैं उसे एपिग्लोटिक्स बोलते हैं, एपिग्लोटिक्स नामक एयर होता है, वही कंट्रोल मतलब इधर उधर होते रहता है, समझ गए। और एक एसेंशियल होता है जैसे रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन बहुत जरूरी है, अगर श्वसन क्रिया नहीं होगी तो हम जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। और होता है जैसे डाइजेशन में बहुत बड़ा इसका रोल होता है, जैसे कि हो जाता है हॉट, मान लेते हैं हॉट बीट, डाइजेशन, डाइजेशन रिस्पायरेशन में पाचन क्रिया करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। हॉट ब्रीथ यानी किडनी और फेफड़ा वफड़ा जो भी रहता है उसको करने में मोडुला अवेलंगटा का काम होता है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, ब्रेन का मस्तिष्क होता है, फुल ब्रेन होता है, सेरिब्रम ब्रिच्छासन में सबसे बड़ा ब्रेन होता है, थैलेमस होता है जो आउटर इन्फॉर्मेशन देता है, कोल्ड गर्मी ठंडा पीठ चुभाना कोई पीटना ये सब पीते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, किसका एनेस्थेसिया जिसे पता नहीं चलता है। हाइपोथैलेमस पेन दर्द भूख प्यास लोग घेना मेन में ज़्यादा पाया जाता है, मेन में जल्दी फीमेल में थोड़ा लेट से एक्टिव है, मेल भी जल्दी एक्टिव है, फीमेल में थोड़ा लेट है, थोड़ा लेट से होता है। अब आता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क सेरिब्रम आता है जो स्पाइनल सेकंड ब्रेन में, हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो 30% वर्क करता है,
मेमोरी रहते हैं, सेरिब्रम ब्रेन जब ऐसी रहता है बिजी रहता है तो सेरिब्रम को पूरा कंट्रोल दे देता है, जब सेरिब्रम स्पाइनल कॉर्ड को पूरा कंट्रोल दे देता है ना, तो देखते हैं कोई पीछे से दोस्त होता है तो हु करता है, तो कहता है हु करता है तो डर जाते हैं, जब उसमें यहाँ दे देते रहता है किसको स्पाइनल कॉर्ड को पूरा काम वर्क करने के लिए, वही दोस्तों आगे से आता है कोई फर्क है तो इसको दे जानते हैं पूरा, तो देखना और ईयरफोन्स देखना और नहीं थी। अब आता है हिल वे मतलब मध्यम पश्चिम मस्ती सेरिब्रम आता है बैलेंसिंग बनाना, वो सर्कस वर्कस वाला जो बच्चा सब है वो सब प्रैक्टिस इस पर किस पर जुड़े प्रैक्टिस फोन से काम होता है, बॉडी से मैसेंजर के काम करता है, मैसेज करता है, मोनूला और बेलनगटा के काम होता है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, नवी होता हो भी जरूरी है, ज़्यादा जरूरी वोमिटिंग हो रहा है, वोमिट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ब्लैंकिंग आई हुआ, हाथ फट रहा है तो भी ठीक है, नहीं फट रहा है सब कहता है ना, जो दहना आता है बाया फट रहा है तो कुछ होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, किसके किसके कारण था तो मोडूला और बेलनगटा के कारण होता है। और होता है रिस्पायरेशन में यह बहुत बड़ा रोल करता है, मेनली इसका जो रिस्पायरेशन होता है ये सबसे बड़ा रोल होता है, ये ना हो हार्ट बीट किडनी फेफड़ा वगैरह इस सब में भी रोल होता है, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा रोल इसमें होता है रिस्पायरेशन और डाइजेशन। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी लोग उठा लीजिए और फिर इसके बाद पढ़ाते हैं लोग, लोग क्या होता है ब्रेन के ही ऐसी होता है जो उस लोग को, तब तक आप लिख उतार लीजिए, तब तक हम लिख देते हैं क्योंकि आप ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को बर्बाद ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, इसलिए पब्लिक आके लिख देते हैं उसके बाद समझा देंगे, तब तक भी आप लोग उतार लीजिए। चलिए यहाँ पर आते हैं लोग, लोग कितने होते हैं तो लोग पांच प्रकार के होते हैं, लोग कितने होते हैं तो लोग पांच होते हैं, लोग पांच प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लोग, तो देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ लोग, जैसे होता है फर्स्ट होता है फ्रंटियर, जैसे फ्रंटियर तो फ्रंटियर माने जो फर्स्ट में होता है फ्रंटियर लिख देते हैं, फ्रंटियर फ्रंटियर पास में क्या होता है आपकी विल पावर कितनी है, विल पावर की क्षमता बताता है, विल पावर में बढ़ाने की शक्ति देता है, फ्रंटियर पास में होता है जो फ्रंट के जो फ्रंट पे रहता है सेरिब्रम की साइड में रहता है, विल पावर जैसे जीरो कोई काम करने के लिए जीरो कर देते हैं, नहीं इनको चाहिए तो चाहिए, ये कौन करता है तो फ्रंटियर लोग करता है, पर्सनैलिटी आपकी डेवलप करता है, पर्सनैलिटी को बताते हैं तब कौन बताता है फ्रंटियर लोग ही बताते हैं। सेकेंड होता है पेरिएंटल, प्रिंटर हम लोग पेरिएंटल होता है, जैसे प्रिंटर से ट्रिक से याद करता है प्रिंटर से पेरिएंटल, पेरिएंटल होता है जैसे रीजन कोई खोलना या मैथ हो गया या कोई भी रीजनिंग हो गया कोई भी चीज मतलब खोलना उसे पेरिएंटल करते हैं। और होता है ओकोपीटर, ओकोपीटर ओकोपीटर क्या होता है जो वर्चुअल वर्चुअल होता है जो इमेजिंग करता है, जो क्या करता है इमेजिंग करता है, जो पास्ट मेमोरी होता है बचपन की याद जो इमेजिंग करते हो यहाँ ये हुआ था ये वहाँ हुआ था, ये होता है वर्चुअल इमेजिंग करता है जो पास्ट मेमोरी को करता है, इसे करता है ओकोपीटर, ओकोपीटर लोग करते हैं। और होता है टेम्पोरल, ये हो गया चार नंबर टेम्पोरल, जैसे कि आप लोग कभी देखते हैं जब सपना अपने देखते हैं ना किसके कारण देखते हैं मालूम है आप सभी को, सपना तो सब कोई देखता है, सपना रोज देखता है, सपना कोई अपने फ्यूचर ड्रीम के लिए देखता है, कोई लव के लिए देखता है, बहुत सारा सपना तो देखता है लेकिन किसके कारण देखता है ये नहीं मैं चलिए बता दिया, एक टेम्पोरल रोग है इसके कारण ही ड्रीम फॉर्मेशन होता है, सपना को सपना बनना। ड्रीम फॉर्मेशन सपना बनना ऐसे। और आता है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस क्या करते हैं, हिप्पोकैम्पस क्या लिखते हैं, हिप्पोकैम्पस मेल के बड़ा होता है, फीमेल के बड़ा होता है मेल के तुलना में, इसीलिए फीमेल को कुछ जल्दी याद हो जाता है, जैसे कि पूर्ण याद रहना टोटल मेमोरी पूर्ण याद रहता है, देखते हैं जैसे कि आप कभी जाते हो शादी में फंक्शन वंक्शन में जाते हो या रिसेप्शन वसेप्शन में जाते हो कहीं भी जाते हैं तो आप कौन सा ड्रेस पहने रहेंगे ये दो दिन के बाद भूल जाएगा, आपके दोस्त कौन सा ड्रेस पहने रहेगा वो दो दिन के बाद भूल जाता है, मतलब कुछ दिन के बाद भूल जाता है, लेकिन लड़कियाँ सुनाई होती है कि कोई ड्रेस कौन सा पहनी कौन कलर पहनी थी वो सब बता देती है, क्योंकि
उसका हिपोकैम्पस मेल के तुलना में फीमेल का बड़ा होता है, तो हिपोकैम्पस लड़कियाँ पीछे ये जल्दी से नियाज हो जाता है। देखते हैं आजकल इतना सारे मतलब इंडिया के टॉपेस्ट एग्जाम को लड़कियाँ ही फाइट करती है, टॉप रैंक वन लाती है, तो उसका लड़कियाँ सबके हिपोकैम्पस क्या होता है जल्दी मेल के तुलना में बड़ा रहता है, और इस लड़कियाँ को इसको जल्दी जाती है बहुत दिन तक नहीं भूलती है, समझ गए इसी कारण। और समझ गया आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसको करना चाहते हो तो उतार ले लो सर्वे, तो लो पास पर टाइप होते हैं, एक होता है फ्रंटियर, एक होता है पेरेंटियल, एक होता है ऑकोपिटियल, एक होता है टेम्पोरल, एक होता है हिपो कैंपस। आप सभी को सब कुछ तो बता ही दिए, चलिए ऐसे हिपो कैंपस ही लड़कियों को बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए सब कोई आप सभी उतार लीजिए पूरा, और याद करना है तो याद कर लीजिए।